नेपाल के अंदर जब से बालेंद्र शाह मेयर बने हैं उसके बाद से जो राजनीति है वो दो पहलुओं में चलना शुरू हो गई है। खास तौर पे एक पूरी की पूरी साइड बालेंद्र शाह की और दूसरी पूरी साइड यहाँ पे दूसरी पार्टियों की, और इसी को लेते हुए अब कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी बनती हुई जा रही है। वैसे हम जानते हैं कि बालेंद्र शाह जो कि सेंटर के साथ कभी भी मिलकर नहीं चले, उनके जो भी फैसले थे, उनके सरकार चलाने का तरीका था, वो बालेंद्र शाह को कभी रास नहीं आया, लेकिन अब इस कंट्रोवर्सी ने अलग मुद्दा बना लिया है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे इसी मुद्दे के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कुल अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बालेंद्र शाह अपने खुद के बयान में भी कहते हैं कि मुझे करप्ट गवर्नमेंट नहीं चाहिए, और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं बालेंद्र शाह को हुआ है। नेपाल के काठमांडू शहर को भी हम थोड़ा बहुत नुकसान कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो चलते में उनके साथ तो उनको बजट और ज़्यादा मिल सकता था, लेकिन दूसरी ओर कहीं देखा जाए तो फ़ायदा ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि अगर आप उनके साथ मिलकर चलते तो वो वैसे चलाते जैसे वो चलाना चाहते थे, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करप्शन की दुनिया में उनका भी कदम हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर अगर बात करी जाए दोस्तों, तो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर बालेंद्र शाह और सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि CPN ने UMLA के नेतृत्व के बीच संघर्ष गहराता हुआ जा रहा है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच सुलह का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। ताज़ा प्रकरण में KMC ने शुक्रवार को राजधानी काठमांडू में एक जनसभा के दौरान सड़कों पर गंदगी फैलाने के लिए सत्तारूढ़ UML पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। काठमांडू के डाउनटाउन में यहां पे दरबार मार्ग में UML की अराजकता के खिलाफ जागृति रैली के समापन के कुछ ही घंटों के भीतर KMC ने सार्वजनिक रूप से यह निर्णय लिया कि शहर कार्यालय ने सत्तारूढ़ पार्टी पर जुर्माना लगाया है, लेकिन UML नेतृत्व में मेयर की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताई है। UML महासचिव शंकर पोखरेल ने शहर कार्यालय द्वारा जुर्माना नोटिस जारी किए जाने के कुछ घंटों बाद फेसबुक पर यह भी लिखा कि है समझा जा सकता है कि काठमांडू महानगर के मेयर बालेंद्र शाह ने यहाँ पे CPN UML के खिलाफ किया है, जो आज से यहाँ पे पर्चे के जारी होने के बाद और भी स्पष्ट हो जाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि जब महानगर अधिकारियों ने नोटिस जारी किया तब रैली आयोजित समिति के सदस्य खुद ही इलाके के सफाई में व्यस्त थे। UML और काठमांडू के मेयर शाह के बीच इतना ज़्यादा संघर्ष बढ़ चुका है कि अब ये टकराव सिर्फ और सिर्फ किसी एक रिजल्ट तक पहुंचेगा, तो वो ओनली और ओनली यहाँ पे दोनों को अलग करने वाला ही होगा। वैसे भी ये दोनों साथ में रहना कभी से पसंद नहीं करते, लेकिन इस समय यहाँ पे जो कंट्रोवर्सी का मुद्दा है वो और भी ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ सेंटर की गवर्नमेंट का चीफ कह सकते हैं, क्योंकि वो PM ऑफ नेपाल के पी शर्मा ओली हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे हम कह सकते हैं काठमांडू के शहर के मेयर, जो कि उनका पद जरूर छोटा है लेकिन उनका कद बहुत बड़ा हो चुका है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज फिर इतना ही, कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।